हम खुदावन का शुक्र करेंगे कि आज फिर उसने हमें अपने कदमों में आने का फजल अता किया और इस खूबसूरत हजूरी के लिए खुदावन अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। और आज मेरा ईमान है कि खुदा अपने बंदा को, अपने मंसूब को आज जोर बाजू के साथ, कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। मैं आपको एक छोटा सा तारुफ खुदा के बंदा कल करवाता चलूं। भाई का नाम मुबशर जावेद गिल और इनका ताल्लुक है न्यू लाइफ एक्सपीरियंस और इनका खिदमत का जो दौरानिया है उन्होंने 1974 में से इन्होंने काम शुरू किया मैरी एडलेड लेप्रोसी सेंटर के अंदर एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर। और इनकी मिनिस्ट्री के जो काम है उनका काम है इंटरनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप, यानी मुख्तलिफ कलीसियाओं के अंदर जाकर उन्हें खुदावंद की हजूरी में लाना, उन्हें बेदार करना ताकि खुदावंद अपनी बड़ी कुदरत के साथ उन्हें इस्तेमाल करे। और इसी तरह से खुदा के खादम जुमे के दिन सॉल्वेशन आर्मी चर्च सदर के अंदर शाम 7 बजे जो है वो इबादत करते हैं। और हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि जब मैंने भाई से राब्ता किया तो हमारे एक अजीम बुजुर्ग हैं इमैनुअल मुरीद साहब, उनके साथ इनके काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, गो के मैं भी बचपन से ही इन्हें जानता हूँ क्योंकि जब मेरी लेप्रोसी सेंटर के अंदर ये काम करते थे तो मेरे अंकल शाहिद एमएम शाहिद जो है उनके पास अक्सर हम जाया करते थे और भाई भी वहाँ मौजूद होते थे तो उनसे सलाम दुआ होती थी क्योंकि एक ही ग्रुप में थे और शुरू में एक एक साथ रहे। और इस हवाले से हम बहुत पुराने जानते हैं लेकिन अरसा काफ़ी गुजर जाने के बाद रब्ता मुंतदा था, लेकिन फिर से आज हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर से हमारी इस छोटी सी कलीसिया के अंदर उन्हें आने का फजल अता किया और उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और बड़े शॉर्ट टाइमिंग के अंदर वो आज हमारे साथ मौजूद है। आपकी बहुत सी तालियों में अवश्य स्वागत है। मैं बता दूंगा कि आज का बेटा प्लान जो भी खुदा ने उन्हें अता किया है वो आज हम सबके साथ शेयर करें। खुदा का शुक्र करता हूँ खुदा के खादम मोहतरम पास्टर जूसियस डगलस के लिए, उन्होंने मेरे लिए आज सुबह ये मौका फराहम किया तो मैं खुदा का पाक कलाम आप लोगों के साथ बांटूं। आज खास इबादत का जो तयन किया गया आप लोगों को मालूम है कि खास इबादत का क्या मफहूम है। पेंटिकोस्ट और आप में से कितने हैं जिनको पहले से पाकरू का तजर्बा है, ऊंचा हाथ करें, अच्छी बात है पाकरू का तजर्बा होना। और जिनको नहीं है और आज आप लोग तैयार हो गए हैं कि खुदा आप लोगों को पाकरू दे, कितने हैं जो आज चाहते हैं कि उनको खुदा पाक रूह का मसा दे, पाक रूह बख्शे, अपने हाथ नीचे करे ताकि नहीं पता चले तरेली के साथ। और ये खुदा के सामने इकरार करना होता है कि खुदा खुदा हमें आज बरकत दे। एक बात जो कि आखिरी वक्त के बारे में लिखी है वो ये कही गई और मेरा अगली पहली कलीसिया के लिए इब्तदाई कलीसिया पर नगाह करें तो वहाँ पर खवातीन बड़ी बेदार थी, उनके मियाओं को अक्सर जियाओं से प्रॉब्लम रहती थी कि हर वक्त बादात में रहती हैं, ज़्यादा बादात में जाती हैं। और मैं इन पिछले चंद वर्षों में जहाँ भी मैं गया खुसूसन चंद संडे से मैं अपने चर्च 74 गार्डन में नहीं जा पा रहा, मैं अमूमन बाहर ही खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ गया मैं पिछले संडे पास्टर वाल्टर के चर्च में मैं था
वहाँ भी आदमी बहुत थोड़े थे, औरतें बहुत ज्यादा थी। और इसके अलावा अयूब कोर्ट में मुझे वहाँ 8-10 चर्चल जमा थे और एक ही जगह पर उन्होंने इबादत का वो तरतीब दिया था। और वहां भी मैंने देखा कि खवातीन चौक दर चौक खुदा के घर में आ रही थी। इससे एक बात का मुझे तासर ये मिलता है कि अब बेदारी करीब है। जैसे कि खवातीन बहुत बेदार थी, आज भी आप देखें कि खवातीन की बैंक को देखें और आदमियों की बैंक को देखें। मेरा नहीं ख्याल है कि इस कलीसिया में ये 2-4 भी आदमी होंगे, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जिनको भी खुदावंद आज सुबह अपने घर में लेकर आया। और जब आप खुदा के घर में आए हैं तो खुदावंद खुदा आप लोगों को लेकर आया है और खुदावंद आप लोगों को बरकत भी देगा। मैं एक दो हवाला आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को आज सीख सकें। इमाल 2 बाब बहुत मशहूर हवाला है। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ये आवाज़ आई जैसे रूह की आंधी का सन्नाटा होता है, और उसे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबाने दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जबाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। लुका 24 बाब उसकी 49 है। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, गौर से सुनिए, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। कौन कह रहा है? खुदा यीशु मसीह कह रहा है। अब गौर से तवज्जो से कलाम को सुने। लेकिन जब तक आलमे बाला से कुव्वत का लबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। खुदावंत का जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत कसरत से नाजल हो, आमीन। मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ। हम दुआ करें। अय खुदावंत खुदा, खुदा के पाक बर्रे, हालेलुया, प्रेज जीसस। अपने हाथों को उठाएं, अपने दिलों को खाली करें, संजीदा हो जाएं। हम संजीदा एरिया में दाखिल होने वाले हैं, हालेलुया। खुदावंद खुदा हमें पहली कोर्ट से निकाल कर बाहर के से बैरूनी सिहन से निकाल कर अंदरूनी सिहन और उसके बाद पाक तरीन मकान में जहाँ खुदा का मस्सा 24 घंटे छाया रहता, हर वक्त रहता है, खुदा की हजूरी हर वक्त रहती है, खुदावंद खुदा उस हलके में लेके जाना चाहता है। और खुदावंद चाहता है आज वो हलका मैं और आप और खुदा की जिंदा कलीसियाएं हैं। आए रूहे पाक, मैं तेरा खादम आपके पाक रूह को दावत देता हूं कि खुदावन तेरे पाक रूह का गहरा मस्सा एक एक को छुए और एक एक के दिल को तैयार करे,
एक एक को खाली करे। आए खुदावंद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरा मसा एक एक को छुए और कसरत के साथ आए खुदावंद तेरा कलाम इन जिंदगियों के अंदर कसरत से आए खुदावंद खुदा बरसे। आज सुबह तेरा कलाम भरे बादल की मानंद बरसे, हालेलुया। एक एक जिंदगी तेरे कलाम की कुदरत से भर जाए और तेरे लोगों को पाक रूह का तजर्बा हो। हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा, आमीन। थैंक यू, हाँ थैंक यू, थैंक यू। मैंने पाक रूह के हवाले से दो हवाला जात आप लोगों के साथ शेयर किए और जो दूसरा हवाला है वहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों से जो उसने जमात तैयार की थी शिगिर्दों से जुदा हो रहा है और जुदा होते होते एक बात उनसे कह गया। बात वो क्या कह गया कि जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उस रूह को तुम पर नाजल करूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले पुराने अहदनामे में कोई बात का वाकया खुदा बेटा जो याद दिला रहा है, खुदा यीशु मसीह याद दिला रहा है कि जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। तो अब यह जानना जरूरी है कि बाप ने कब और कहां और किस वक़्त रूहुल कुद्दस के नजूल का वादा किया और खुदावन ने अपने शगिर्दों को कि मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडे लूंगा और खुशक जमीन में नदियां जारी करूंगा, मैं अपनी रूह को तुम्हारी नस्ल पर और अपनी बरकत को तुम्हारी औलाद पर जारी करूंगा। क्या सुना आप लोगों ने, दो बातें गौरतलब हैं। खुदा खुद कह रहा है जो कि बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदावंद है और वो ये कह रहा है, खुदा कह रहा है, पहले बेटा कह रहा था अब खुदा कह रहा है। खुदा क्या कह रहा है कि मैं अपने रूह को किस पे नाजिल करेगा, कैसी जमीन होनी चाहिए, प्यासी। तो वो बहन भाई जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, आपके अंदर प्यास इस कदर होनी चाहिए, आपकी जमीन क्या होनी चाहिए, प्यासी होनी चाहिए। तो मैं खुदा का खादम ये कहते हुए आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई जिंदगी प्यासी है और अपने अंदर प्यास के दर्जा हरारत को वो बढ़ा भी रही है और बढ़ा भी रहा है तो यकीन जाने पाक रूह का रुख किसी और तरफ नहीं होगा। पाक रूह का रुख किस तरफ होगा बोलिए। मैं चाहता हूं, मैं नारे मारने वाला खादम हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गोरा कब्रिस्तान के सामने मनादी ना करूं, कब्रों में खड़ा होकर मनादी नहीं कर रहा, मेरी कलीसिया मेरे लोग मेरी जमात जिंदा होनी चाहिए। तो किसकी तरफ पाक रूह का रुख होगा, प्यासी जमीन पर। तो कितनी जिंदगी आज प्यासी हैं, क्या ना इसी योर हैंड, क्या आप लोगों के हाथ दे सकता हूं, कितनी रूहें प्यासी हैं। तो अगर आप प्यासी हैं तो खुदा ये कह रहा, ब्रदर जवेद नहीं कह रहा, भाई साहब नहीं कह रहे, कोई और खुदा का खादम नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, खुदा कह रहा है कि मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडे लूंगा। तो अगर आपकी जमीन प्यासी है तो फिर दुनिया की कोई ताकत अबलीस की कोई कुवत रूह को आपके अंदर आने से रोक नहीं सकती। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। और दूसरी बात क्या कही गई है कि मैं खुशक जमीन, वाह क्या बात है, मैं खुशक जमीन में क्या करूंगा,
नदियां जारी करूंगा। बड़ी बात है, नदियां कैसी होती हैं, हैं जी? नदियां रुकी हुई नहीं होती, रुका हुआ तालाब की तरह नहीं होती, तालाब का पानी रुका होता है। और जो बहुत सारे ऐसे पानी खोद के बना लेते हैं तो पानी रुका हुआ होता है, ये पानी ऐसा है जो चलता हुआ है, जो रुकता नहीं है। और अब मैं आप लोगों को यूहन्ना की अंजील सातवें बाब की 37-47वीं आयत में लेके जा रहा हूं। वहां क्या लिखा है कि जैसा मेरे बाप ने कहा, जैसा कि लिखा है कि मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडेलूंगा, जैसा कि लिखा है अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जैसा कि लिखा है, यानी कहां लिखा है ये मैंने हवाला आप लोगों को बता दिया, यशायाह 44 बाप उसकी तीसरी आयत। तो बेटा अब कह रहा है कि जिसका हवाला मेरे बाप ने दिया है पूरी जमात से, ये ईद का आखिरी दिन है और ईद के आखिरी दिन में तमाम कौमों से लोग आए हुए थे। खुदावन 6 दिन तक उनके बीच में रहकर मनादी करता रहा, लेकिन लोगों ने अनसुनी को अनसुनी कर दिया। और आखिरी ईद के आखिरी दिन बड़े जोर से कहा, चला कर कहा, ताकि यीशु की आवाज एक एक कान तक पहुंच जाए। अगर कोई प्यासा हो, ओपन इनविटेशन, अपने हों या गैर हों, या नजदीक के हों या दूर के हों, ये वादा हर कौम, उम्मत, कबीले, नस्ल और फिरके और डिनोमिनेशंस के लिए, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगर पाखरू किसी को नहीं मिलता, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि हमारे अंदर प्यास नहीं है, हम भूखे और प्यासे नहीं हैं। और जो अपने अंदर अपनी प्यास को बढ़ा रहे हैं, खुदा का रुख, खुदा के पाखरू का रुख आपकी तरफ है। आप चांदी लम्हों में पाखरू की लपेट में आ जाएंगे, खुदावंद आपको पाखरू से मसा करेगा। और जो ऑलरेडी जिनको पाखरू का तजर्बा है वो अपनी रूहानी प्रमोशन के लिए दुआ करें, उनमें मैं भी शामिल हूं। मैंने भी दुआ की, खुदावंद आज मेरी भी प्रमोशन करें आप लोगों के साथ मिलकर। और अब खुदावंद खुदा ये कहता है अगर कोई प्यासा हो, प्यास कैसी होनी चाहिए मैं ये भी बताता चला जाऊं। जबूर 42 में एक बड़ा जबरदस्त वाक्य है, किसी को याद है भाइयों में से, बहनों में से? जबूर 42 में हिरनी की प्यास का जिक्र है, जैसे पानी हिरनी के नालों को क्या करती है, तरसती है, वैसी ही प्यास जब तक हमारे अंदर ना होगी वो वारा फिरती है, भागती है और जो है अंधाधुंध, और इस तरीके के साथ वो बेचैन है, इतनी प्यास उसको लगी है जैसे कि उसकी मौत वाकया होने वाली है। अगर थोड़ी देर तक उसको पानी ना मिले तो शायद उसकी मौत वाकया हो जाए। वो जो अंधाधुंध है और जुनून की हालत तक, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है और भागी फिरती है कि कहीं से उसे पानी का एक घोंट मिल जाए और वो अपनी प्यास को बुझा ले। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज आप इस प्यास में मुब्तला हैं तो आप अभी इसी वक्त खुदावंद खुदा आपकी प्यास को बुझाएगा। ब्राहम मेहरबानी आप दूसरी तरफ ना देखें, खुदा के मसा में खो जाएं, रूह में खो जाएं। तो खुदावंद खुदा ये कहता है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो ईमान के साथ पिएगा उसके अंदर क्या होगा भाई, जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे, जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे और जो कभी खत्म नहीं होंगे।
कभी खत्म नहीं होंगे। नागरा फॉल का एक वाक्या है, जब गोरे जो हैं अफ्रीकन हबशियों को गुलाम बना के लेके जा रहे थे, तो नागरा फॉल का अगर वाक्या आप लोगों ने सुना है, तो वो पानी जो है वहाँ गिरता था और वहाँ उनके इलाके में इतना पानी नहीं होता, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकने की इजाज़त दी जाए। तो वो रुके, वो पानी पी रहे हैं, 10 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, और उनके उनका कैप्टन कहता है कि चलें भैया अभी काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया है। तो कहते कि उन वैसे उन्होंने सिपाहियों ने गुलामों ने कहा कि थोड़ी देर और रुकने दें, फिर वो रुक गए, थोड़ी देर और हमें रुकने दें। तो कैप्टन ने पूछा अभी कब तक तुम रुकना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये पानी बह रहा है हम उस वक्त तक रुके रहेंगे, हम उस वक्त तक रुके रहेंगे, ऐसा समा तो हमें कभी जिंदगी में देखने को ही नहीं मिला। उन्होंने कहा खुदा के बंदो ये तो ना खत्म होने वाला चश्मा है, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, ये ना खत्म होने वाला चश्मा है। तो अगर नागरा फॉल का चश्मा जो है ना खत्म होने वाला है, तो वो चश्मा जिसका यीशु जिक्र करता है वो कैसा चश्मा होगा? हालेलुया, ना खत्म होने वाला चश्मा जारी हो जाएगा। क्या आप चाहती हैं, चाहते हैं कि आज ये चश्मा आपकी जिंदगी में जारी हो जाए? ऐसी प्यास हम महसूस करें। क्या आप जानते हैं कि एक वाकया बशरियत में खुदावंद की खिदमत में एक ऐसा वाकया भी आया कि जब वो मेरी और आपकी प्यास के लिए खुद प्यासा हो गया? वो कौन सा वाकया है? यूना चौथे बाब में यकूब के कुएं पर जाकर बैठ गया और अपने हदफ का कोई रूह का इंतजार करने लगा। वो 12 बजे का वक्त था, उस वक्त कोई पानी भरने नहीं आता, ये भी याद रखें। जब यीशु यरूशलेम से गया, उसने कहा कि मेरा सामरिया में से होकर जाना क्या है, जरूर है। तो वो जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा था, जब वो वहां पर पहुंचा तो दोपहर के 12 बज गए थे और औरतें पानी भरने के लिए सुबह के ठंडे वक्त में आती हैं। ये औरत जो है दोपहर को 12 बजे आई कि कोई उसे देखना ले, क्यों भाई? क्योंकि वो सामरी औरत थी और बदचलन थी, 5 शोहर वो कर चुकी थी और वो छठे के घर में थी, और इसलिए कोई उसे मुंह नहीं लगाता था। वो छुपे छुपाए केली आई, और जब वो वहां पर आई, यीशु ने शुक्र किया कि खुदावन ये वही बात है जिसके लिए आज मैं यहां आया हूं, और उससे कहता है कि तू मुझे क्या कर भाई, पानी पिला। वाह क्या बात है! वो उस खतून के लिए प्यासा हुआ ताकि अपनी प्यास का जिक्र करने के हवाले से उस प्यास की उसकी तशरीह कर सके कि ये इस खतून सामरी औरत की जो है और प्यास को बुझाने के लिए आया है। किस्सा मुझसे, मैं ज्यादा कलाम लंबा नहीं करना चाहता, यानी वो सारी कहानी को आप जानते हैं। उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे सामरी से पानी क्यों मांगता है? बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, पढ़ लेना घर जाके यूना के चौथे बाब में। तो आखिर में आखिरी पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, जब खुदा ने फौरन चोट नहीं मारी, खुदा ने उसकी जमीन पर प्यासी जमीन की शिद्दत को, उस प्यासी जमीन की हिद्दत को इतना बढ़ा दिया और वो खुशक जमीन अब जब तैयार हो गई, तो उस वक्त खुदा ने क्या की, उस पिघले हुए लोहे पर
सख्त जमीन पे क्या की, चोट मारी। चोट क्या मारी कि जा अपने शोहर को बुला के ला, क्योंकि चांदी लम्हों में तेरी जिंदगी केमिस्ट्री बदलने वाली है। चांदी लम्हों में तू बदल कर वो हो जाएगी जो तूने कभी अपने सपनों में नहीं सोचा। आज लोग तुझसे नफरत करते हैं और थोड़ी देर के बाद तू मुबशिरा बन जाएगी। थोड़ी देर के बाद कलाम की कुदरत तेरे अंदर बहने लगेगी। तू मुझे वो पानी पिला। अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और यह भी जानती कि जो तुझसे मांगता है तो वो तुझे वो पानी देता जो तेरे अंदर जिंदगी के चश्मे जारी कर देता। वो चिल्ला उठी, मुझे वो पानी दे ताकि मैं दोबारा यहां प्यासी होकर ना आऊं। अगर आपकी प्यास की शिद्दत, अगर आपकी प्यास की हिद्दत इस कलाम के सुनाते सुनाते इस मकाम तक ना पहुंची मेरी बहन मेरे भाई, तो आप जैसे हैं वैसे ही चले जाएंगे। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, यीशु मसीह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, पाक रूह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, खुदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि आपने उसका कलाम नहीं पूरा किया। उसका कलाम यह कहता है कि मैं प्यासी, खुदा की एक ही कंडीशन है, मैं प्यासी जमीन पर पानी अंडे लूंगा। और यह पानी क्या है? रूल कुदस। और आज का दिन क्या है? ईद पेंतिकोस्त। ईद पेंतिकोस्त यह तमाम नबियों की पेशनगुइयों की तकमील है। नबियों की पेशनगुइयों की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक पेशनगुई मैंने बता दी, यशाया की 44 बाब की 30, 750 साल पहले मसीह के आने से 750 पहले यह पेशनगुई की गई। और उसके बाद हिस्कियल 36 बाब उसकी 26 आयत, नबियों की पेशनगुइयों को तकमील का दिन है ईद पेंतिकोस्त। मैं क्या करूंगा? तुम्हारे अंदर गोश दिन अपनी रूह तुम्हारे पर डालूंगा, गोश दिन तुम्हें दिल अता करूंगा और संगीन दिल निकाल दूंगा। और फिर यूएल 2 बाब उसकी 28वीं आयत बड़ी ज़बरदस्त है कि मैं आखिरी वक्त में हर फर्दो बशर पर। ये क्यों कहा खुदा ने? कभी सोचा? कलाम की सच्चाइयाँ बड़ी गहरी हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में सिर्फ मखसूस लोगों पर रूल कुदस नाजल होता था। तो खुदावंद कह रहा है कि एक वक्त आएगा कि मैं सिर्फ मखसूस तबके पर रूल नाजल नहीं करूँगा। यहाँ लिखा है कि हर फर्दो बशर पर मैं अपने रूह को नाजल करूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियाँ क्या करेंगी भाई? बोले, तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? रोया देखेंगे। आज हमारे जवान क्या देखते हैं भाई? हैं? आज हमारे जवान क्या देखते हैं? क्यों बच्चों बताओ? आज हमारे जवान दुनिया डिश और पता नहीं जहां भर के प्रोग्राम वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन खुदा ने अपने राधे में नौजवानों के लिए एक आप मंसूबा बना रखा है कि मेरे बेटे बेटियां, कितनी बड़ी बात है। खुदा आप लोगों को अपने बेटे बेटियां कह रहा है कि मेरे बेटे बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। आप यहां बैठे हैं, आप बता रहे हैं कि 2013 में एक बड़ा जबरदस्त सैलाब आएगा। आप हुकूमत को बताते हैं, आप आसिफ जरदारी को लेटर लिखते हैं कि फलां नहर का कनाल, फलां दरिया का जो बंद है उसको मजबूत कर ले, उसकी दीवारें ऊंची कर ले, क्योंकि मैं दुआ में बैठी हुई थी, मैं दुआ में बैठा हुआ था। आलम बाला से एक जबरदस्त आसमान से आवाज आई कि खुदा ने मुझ पर नबूवत की, मुझे बशारत दी है कि फलां सन और 2013 में जुलाई में जुलाई के एंड में और उसकी 20वीं तारीख को और बड़ा तूफान सिंध में आने वाला है, अपना बंदोबस्त कर ले। आज कितने खादम आपको मिलेंगे ऐसे जो रूह से भरे हुए हैं, जो रूह से मामूर हैं? प्रस्तुति करनी अच्छी बात है, तपला बजाना भी अच्छी बात है, तालियां बजानी भी अच्छी बात है, हालेलुया बोलना भी अच्छी बात है, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन हम यहां तक ना रहें, हमारा मकाम तो बहुत आगे है। जब सुबह होती है सूरज निकलता, गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सूरज निकलता आप दरवाजा खोलते हैं तो फिर क्या देखते हैं आप लोग? एक पतली सी
लकीर आती है रोशनी की, और उसके बीच में बहुत सारे जर्रात भी हमें नजर आते हैं कुछ उड़ते हुए। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझे जी नहीं समझे, नहीं समझोगे कि आप थोड़ी सी लाइट आती है। आज की जो कलीसियाएं हैं वो इस थोड़ी सी रोशनी में बड़े खुश हैं। अरे भाई पूरा दरवाजा तो खोलो, पूरा दरवाजा तो खोल के देखो, उसी रोशनी में खुश हैं। अब मैं उठा के आप लोग हिजकेल 47 सभा में लेके जा रहा हूं। हिजकेल को खुदावंद खुशक जमीन से जलाली पानियों में ले गया, ये हमारी रोया है। खुशक जमीन से जलाली पानियों में ले गया, प्यासी जमीन उसकी खुदावन ने उसको सैराब किया और दरिया में ले गया। और दरिया में क्या कर रहा है, तैर रहा है। जब तैर रहा है तो पानी कहां तक था भाई, किसी को याद है ये रोया, पानी कहां तक था, टखनों तक था। ये पहली फेज है। मैंने बताया कि दो बातें, आज खुदा रूहानी प्रमोशन भी करेगा और बहुत सी जिंदगियों पर पाकरू भी नाजिल करेगा। और उसके बाद जब वो पहली फेज में कामयाब हुआ तो खुदा ने उसकी प्रमोशन कर दी। गौर से सुनिए, बड़ी जबरदस्त बात है सीखने की। तो अब जब अगली दफा पानी को नापा गया तो पानी कहां तक था, अभी कोई बता सकता है? बाइबल पढ़ने वाले बने, कलाम को खा जाएं। ये कलाम मैंने 39 बार पैदाइश लेके मकाशवा तक खाया है और 40वीं बार मैं यशुआ की किताब तक पहुंच गया हूं। 40वीं दफा मैंने यशुआ की किताब को खत्म किया है। मुझे मालूम नहीं कि आप कैसे खाते हैं इसको। सन 74 में मैं भरपूर नौजवान था, उस मतलब मेडिकल की ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करने के बाद मैं डोली खाते में अपने बड़े चचा के घर में आया, उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। और जब मैं पहले दरवाजे पे गया तो वो बंद था, फिर दूसरा दरवाजा भी बंद था, लेकिन मेरे अंदर प्यास की शिद्दत बढ़ रही थी। क्या मेरे चचा को पाकरू मिल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे भी पाकरू मिलना चाहिए। मैं 20-22 साल का नौजवान था। आई वॉज बर्निंग लाइक एनीथिंग, मेरे अंदर आग जल रही थी कि मुझे भी पाकरू मिलना चाहिए, जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। तो जब मैं दोबारा घूम के आया तो वो दरवाज़ा आप ही मेरे लिए खुल गया, वो दरवाजा आप ही मेरे लिए खुल गया, ऐसे ही जैसे पतरस के लिए जो जेल में था उसके लिए दरवाजा खुल गया। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। मैं जाके बैठा और खुदा की हजूरी में कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी दुआ नहीं की, ना मैंने कहा भर दे। बहुत सारे आज के लोग कहते हैं कि ये बोले भर दे, ऐसी कोई जबान नहीं है, कोई पाकरू नहीं है। मैं जैसे ही खुदा के सामने झुका और खुदावन से कहा, कहे खुदावन ये जमीन खाली है, ये प्यासी है और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, ये आज जवेद मर जाए और अंदर का जवेद जिंदा हो जाए और मैं तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेके जाऊँगा। और वो दिन और आज का दिन है कि खुदा ने ये कलाम मेरे अंदर ही डाल दिया है। मुझे बाइबल बड़े बड़े क्रूसेड हों, बड़े बड़े सेमिनार हों, मैं इस बाइबल को खोलता ही नहीं। खुदा से मैंने कहा कि तूने यूहन्ना को कलाम खिला दिया भाई, तूने यर्मिया को कलाम खिला दिया, तूने हिजकिया को कलाम खा दिया, तो क्या वो तेरे बहुते लाडले ने हैं, वो तेरे बहुते लाडले ने, तू जवेद नु भी ब्रदर जवेद नु भी खिलवा देते ते मैं तेरा कोई अच्छा ही काम करांगा। और खुदा ने मेरी बात जो मान ली, जैसे आप लोग नौजवान है ना बेटियां, मैं आप लोगों की उम्र का था उस वक्त, खुदा को मेरी गल चंगी लगी है कि कोई जवेद अच्छा ही काम करेगा। और खुदा ने ये कलाम मेरे अंदर ही डाल दिया। 2 माह के बाद खुदा ने मुझे कहा कि जा मनादी कर। मैंने खुदा कहा कि मैं कितने जावा भाई, मैंने तो कोई जानता ही नहीं। वो कहेगा नौजवान 20-22 साल का नौजवान जो है कैसे हमारे घर मुंह उठा के बाइबल लेके आ गया, खादमों को दाजा कही कहता ना, मैं नहीं जानता। खुदा ने कहा मूसा की तरह, मैं कहा मुझे कौन, मेरा कौन यकीन करेगा। तो खुदा ने कहा कि ये गंदा नाला है, वहाँ जाना तूने, और वहाँ पर एक झोंपड़ी वाला घर है, और जब तू वहाँ जाएगा तो उस आदमी के सर में ब्रेन ट्यूमर है, ये सन 74 की बात है, और वो उसको पुराना अर्थराइटिस है और उसने पट्टियाँ बांधी होंगी। जब ये निशान, तो ये मैं बात कर रहा नबूवत की, ये है नबूवत, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, खुदा ने बेशुमार नबूवतें मेरे वसीला से की और जो वक्त में पूरी हुई।
और खुदावंद खुदा चाहता है कि इस रूह को आज मैं इस मसह को आप लोगों के पास भी लेके आया हूँ, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है 15वें बाब की 29वीं आयत में कि मैं चाहता हूँ जब तुम्हारे पास आऊँ तो कोई नई रोया लेके आऊँ, नई खिदमत, नई आप जो है बरकत लेके आऊँ, नई ब्लेसिंग लेके आऊँ। तो मैं भी आप लोगों के पास रूह कुदस की ब्लेसिंग लेके आया हूँ। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने खुशी से मुझे वेलकम किया, क्योंकि खुदा ने भेजा था। तो जब खुदा भेजता है तो फिर अगले को भी तैयार करता है, और मुझे खुदा ने बता तो दिया था। मैंने कहा कि भाई आपका कोई मसला है, तो उसने कहा कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, रसौली है, आप देख भी सकते हैं। तो मैंने हाथ लगा के देखा उसके रसौली को, तो वाकई उभरी हुई थी, यकीन जाने। मैंने कहा कि यू स्पिरिट ऑफ ब्रेन ट्यूमर आई रिब्यूक एंड कमांड योर माइट ऑफ जीसस, लीव दिस ब्रेन राइट नाउ, देन एंड देयर वो ट्यूमर डिसअपीयर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद मैंने उसके टखनों पे हाथ रख के दुआ की, और मैंने कहा कि भाई अपनी पट्टियां तार दें, यस्सू ने मुझे भेजा है पट्टियां तारने के लिए। हालेलुया, पट्टियां तार तक उसकी पट्टियां उतरी हुई हैं। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, पैर साहब से ले अगर कानी तो मैं कार्ड दे दूंगा अपना, आप जिंदा लिविंग टेस्टमैन इसको देखें। आज खुदावंद खुदा मेरी और आपकी प्रमोशन करना चाहता है। तो पहले जो है मैंने बताया कि घुटनों टखनों तक पानी था, फिर कहाँ तक पानी गया, और घुटनों तक पानी गया, और जब तीसरी बार जब उसमें वो कामयाब रहा, फरमा बरदार रहा, तो खुदा ने उसकी और भी प्रमोशन कर दी। तो फिर क्या हुआ भाई, पानी चढ़कर कहां तक आ गया था, नहीं पता, कमर तक आ गया। अब गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे कलाम दे के भेजा है और मैं कलाम से भरा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि उसको खाली करूं, शायद किसी को मेरी बात कोई लग जाए, अच्छी लग जाए, किसी को बरकत मिल जाए। पहले जब खुदा ने उसे पानी में उतारा तो वो उसका इन्हसार अपनी बॉडी पर था, अपने जिस्म पर था। क्यों भाई, वो अपने पैरों से अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहा था, अपने पैरों से जहां चाहे जा सकता था। दूसरी फेज में भी जब कमर तक, टखनों तक पानी, घुटनों तक पानी आया, तो अभी तक वो अपने जिस्म के ऊपर इन्हेसार कर रहा है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे, उधर जाना चाहे उधर जा सकता है, लेफ्ट जाए, राइट जाए, फ्रंट जाए, बैक जाए, वो अपनी मर्जी कर सकता है। लेकिन खुदा हिजकिया से कह रहा है तू इन्हें ना खुश ना हो, मैं तो कुछ बड़ा जबरदस्त कोई मनसूबा तेरे लिए बना रखे है। तू ये घुटने तक पानी तक ही खुश है, तू यहाँ टखनों तक ही खुश है, मैं तो यहाँ तुझे किस कोई और ही एक नया ही तेरी जिंदगी में काम करने के लिए आया हूं। अजाया 43 यसाया 43:19 आयत है, पुरानी बातों को भूल जाओ, देखो मैं एक नया काम करूंगा। आज यीशु आपकी कलीसिया में नया काम करेगा। और उसके बाद जो है 1000 नापा, तो फिर क्या हुआ, भी जल्दी से बोलें, क्या हुआ कि पानी कहां तक पहुंच गया, कमर तक पहुंच गया। हालेलुया, कमर तक पहुंच गया। अब वो अपनी मर्जी नहीं करता, व्हाई, क्यों, अब उसे पानियों पर इंतजार करना है। उसके पांव जमीन से, खुशक जमीन से क्या हो गए, उठ चुके हैं। अब वो पानियों के बहाव में तैर रहा है, पानी इधर से छल आती है, पानी उधर ले जाता है, उधर से पानी आता है, उधर चला जाता है। वो कोशिश करता है, पानियों ने मार मार के मेरा पिंडा तोड़ देता है, मैं किनारे से चला जा, तो अब कैसे किनारे पर जा सकता है, अब वो नहीं सोच सकता, अब वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, अब उसे जलाली पानियों पर इंतजार करना है। और ऐसे ही जो रूह से पैदा हुआ है वो नहीं जानता कि हवा किधर से आती है और किधर ले जाती है, और हवा जिधर चलती है उधर ही वो चला जाता है। ये वो रूहानी मकाम है, ये वो रूहानी स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड है जो एक कलीसिया का और ईमानदारों का होना चाहिए। मैं और आप तो टखने के पानी तक ही खुश हैं, लताएं गिलियां करके बड़े खुश हैं, समुद्र के किनारे गए, अंधे जाते डर लगता है डूबना चाहिए कि जो कुछ मिलना है मेरी बहन मेरे भाई, अपने पर, अपनी जात पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने इलम पर भरोसा करना क्या कर दे, छोड़ दे, अपने आप को न्यूट्रल कर दे, रूह के हवाले कर दे, और
फिर रूह आपको वहां लेके जाएगा जहां वो चाहता है। वो बहन भाई जो आज भूख और प्यास को महसूस कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में खुदा आपकी खिदमत को बदल देगा, खुदा आपकी गुजरगाहों को बदल देगा। जैसे दरिया अपने रास्ते बदलते रहते हैं और रूह आपको नए इलाके में लेके जाएगा, पाक रूह आपके वसीला से मोजात करेगा। मैं जहां भी जाता हूं मोजे लेके जाता हूं, और अलानिया कहता हूं मेरी हर मीटिंग में बड़े बड़े मोजे होते हैं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि यीशु में मेरा क्या मकाम है। आज मसला यह है कि हम जो है सिर्फ यहां तक के पानी में खुश हैं। खुदावन चाहता है कि हम गहरे में जाएं। जब वो सामरी और जिसका जिक्र किया मैं इसमें वाइंड अप करूंगा, जब वो गहरे में गई उसको तजर्बा हुआ तो वो भागी हुई गई, अब उसकी अपनी मर्जी नहीं है। वो घड़ा भी वहां भूल गई, अपने मियां को भी भूल गई, बच्चों को भी भूल गई कि बच्चे भूखे प्यासे होंगे, और वो भागी हुई कहां गई? शहर में गई, सामरिया में गई। जो लोग अंधेरे में थे, बगैर निजात के थे, बगैर सालवेशन के थे, बगैर पाक रुके थे, और उसने जाकर वो हैरान थे कि हम तो उसको जानते हैं कि ये बदचलन औरत है, ये कसबी है, लेकिन आज कोई उंगली नहीं उठाता, इसलिए उसके जीवन में खुदा का जिंदा कलाम बंद बंद गुदे गुदे नस नस में रच चुका है, अब कोई उंगली नहीं उठाता। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। और वो कहती है कि आओ मैं उस शख्स के बारे में बताऊं, तुम मेरे साथ चलो। मैं ठीक है, कल तो मैं बदचलन थी, लेकिन आज मैं वो नहीं हूं। मैं अपनी से निगाह हटा लो, जिसका यीशु के साथ वाक्या हो जाता है, जो यीशु के साथ एक बार मिल लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी जिंदगी की केमिस्ट्री बदल जाती है, उसका पहनावा बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, खुदा उसे एक नया इंसान बना देता है। पूरा सामरिया शहर बच गया, वो हैरान हुए कि शायद सही कह रही है, चलो उसकी बात मान लेते हैं। जब वो गए तो उन्होंने एक बयान जारी किया, आखिरी 42वीं आयत में, चौथे बाब की, यूहन्ना के चौथे बाब की 42वीं आयत में, अब हम तेरे कहने पर ईमान नहीं लाते जो तेरा यीशु है। हालेलुया, 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 जो तेरा यीशु आज वो हमारा भी यीशु है, हम दूसरों महबूदों को छोड़ दें। और उसके बाद जब रसूलों को पता चला, इमाल 8वें बाब में, तो उन्होंने पतरस यूहन्ना को भेजा, और उन्हें जाके उन्होंने देखा जब यीशु को कबूल कर लिया तो दूसरा स्टेप आज होता है पाखरू का, और उन्हें हाथ रखे तो सारे लोग जो हैं वो रूल कुदस से भर गए। और इमाल 4:31 में लिखा है, जहाँ वो बैठे दुआ कर रहे थे, दे आल फील्ड में होली पावर ऑफ द होली स्पिरिट, वो सब रूल कुदस से भर गए जो कलाम सुन रहे थे। फिर इमाल 10 बाब उसकी 44 आयत है, जब पतरस कर्नेलियस के रोमी हुकूमत के सरदार के घर में पहुंचा हुआ है, तो वहाँ जब कलाम लिखा, लेकिन जब जो जितने लोग गौर से कलाम को सुन रहे थे, जितने लोग गौर से कलाम को सुन रहे थे, रूह कुद्दस उन पर नाजल हुआ, तो वो लोग जिन्होंने भूख और प्यास के साथ कलाम को सुना है, मेरा ईमान है खुदा ने उनको छुआ है और वो रूह से भर गए हैं। आइए मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि अब प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी था, अब प्रैक्टिकल होगा, रूहानी प्रैक्टिकल। जैसे खुदा ने हिस्कियल को प्रैक्टिकल कराया, ये प्रैक्टिकल था उसका, और जब वो दरिया में तैर रहा था तो बाहर का माहौल बदल रहा था, बाहर